राय दोस्तों, मैं हूँ साइंस वाली और टॉपलॉजी के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रेगुलर स्पेस और T3 स्पेस। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल स्पेस और T4 स्पेस। टॉपलॉजी के ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है कि इट टॉपलॉजिकल स्पेस XT इज सेट टू बी नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी पेयर LM, क्या फॉर एवरी पेयर LM ऑफ डिसजॉइंट T क्लोज सबसेट। ये जो हमने पेयर लिया है LM का, ये कैसे हैं, डिसजॉइंट है और T क्लोज सबसेट है, ठीक है, ऑफ X। इतना है कि क्या हमने फॉर एवरी पेयर LM ऑफ डिसजॉइंट T क्लोज सबसेट ऑफ X, देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट T ओपन सबसेट G एंड H सच दैट जो L है वो सबसेट हो G का एंड M सबसेट ऑफ H। वेरी सिंपल, क्या ए टॉपोलॉजिकल स्पेस XT सेट टू बी नॉर्मल If and only if for every pair LM of disjoint T closed subset of X, क्या हमने दो T closed subset लिए जो कैसे हैं, disjoint है। There exist two disjoint T open subsets G और H such that कि L subset हो G का और M subset हो H का। तो हम कहेंगे कि space कैसा है, normal space है। अब बात करते हैं T4 space की। तो in normal T1 space is called T4 space। ऐसे ही कुछ T3 स्पेस में था कि रेगुलर और T1 है तो T3 स्पेस है, ऐसे ही नॉर्मल और T1 है तो हम उसको क्या कहेंगे, T4 स्पेस कहेंगे इसका। और एक रिजल्ट होता है कि नॉर्मल है, नॉर्मल स्पेस है तो वो रेगुलर भी होगा। बट हम ये नहीं कह सकते कि रेगुलर है तो नॉर्मल होगा, लेकिन नॉर्मल है तो वो रेगुलर होगा। इसका एग्जांपल है कि R with usual topology is a T4 space। अब हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे कि every compact Hausdorff space is normal, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है कि every compact Hausdorff space is normal, ठीक है। कॉम्पैक्ट स्पेस और Hausdorff space क्या होता है, Hausdorff space को हम बोलते हैं T2 space। मैंने ये वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। और अब हमें प्रूफ करना है कि every compact Hausdorff space is normal, ठीक है। इसका थ्योरम के स्टेटमेंट से क्लियर है कि हमें क्या दिया है, कॉम्पैक्ट Hausdorff स्पेस दिया है, यानी लेट XT बी अ कॉम्पैक्ट Hausdorff स्पेस, राइट। XT हमें कॉम्पैक्ट Hausdorff स्पेस दिया है। अब हमें नॉर्मल दिखाना है, ठीक है। अभी हम नॉर्मल डेफिनेशन पर क्या आए हैं, उसमें क्या था कि दो टी क्लोज सबसेट लेते हैं ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लें दो क्लोज टी क्लोज सबसेट्स, लेट एम एल एंड एम वी टू डिसजॉइंट थे ना, डिसजॉइंट टी क्लोज सेट सबसेट ऑफ एक्स। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें नॉर्मल दिखाना है। नॉर्मल हमने देखा है कि उसमें टू टी क्लोज सबसेट होते हैं, जिसके लिए हमें दो टी ओपन सेट दिखाने हैं जो जिनमें ये कंटेन करें, राइट। तो हमने क्या किया, एक XT हमें कॉम्पैक्ट Hausdorff स्पेस दिया है, हमने LM को लेट कर लिया है कि सपोज दो हमने टी क्लोज सबसेट लिए हैं, ठीक है। अब हमें नॉर्मल दिखाना है तो हम उसके लिए एक रिजल्ट यूज करेंगे। क्या एक रिजल्ट होता है रेगुलर स्पेस में कि एवरी कॉम्पैक्ट Hausdorff राइट। इस रिजल्ट की हेल्प से हम ये प्रूफ करने वाले हैं। रिजल्ट क्या है कि एवरी कॉम्पैक्ट Hausdorff स्पेस इज रेगुलर। तो रेगुलर होता है, रेगुलर में क्या है, तो हम यहाँ पर रेगुलर की डेफिनेशन यूज करेंगे। क्या फॉर एवरी, हम मान लेते हैं L में कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू L, ठीक है। L में हमने ले लिया है कुछ एलिमेंट्स हैं X, ठीक है, आर्बिट्रेरी लिया है। फॉर एवरी X बिलोंग टू L, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स GX एंड HX सच दैट कि जो L है, सॉरी सच दैट जो हमने L में एलिमेंट लिए हैं वो X बिलोंग करते हैं GX में, और जो ये M था ये क्लोज था ना, M कंटेन करता है HX में। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें
नॉर्मल प्रूफ करना है उसके लिए ये हम ये डेफिनेशन कहाँ से यूज कर रहे हैं, रेगुलर से, क्योंकि हमने रेगुलर का रिजल्ट उठाया है कि एवरी कॉम्पैक्ट हॉस्ट ऑफ स्पेस इज रेगुलर, तो यानी कॉम्पैक्ट हॉस्ट ऑफ स्पेस दिया है तो रेगुलर की डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा, रेगुलर प्रूफ क्योंकि रिजल्ट हमें दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एल हमने दो ओपन सेट ले लिए जिसमें एक्स ये बिलोंग करे, और मतलब हमने जो रेगुलर की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें क्या था कि पी बिलोंग करे जी में, और जो हमने एफ लिया था क्लोज सबसेट उसमें पी बिलोंग ना करे, यानी और ये डिसजॉइंट है तो एक्स के हमने इससे लिया है तो एक्स इसमें होगा नहीं, यानी एम कंटेन करेगा एच एक्स में, ठीक है। देन द कलेक्शन, जो हमने कलेक्शन लिया है जी एक्स का सच दैट कि जो एक्स है बिलोंग करे एल इज एन ओपन कवर, this implies L is a compact subspace of X, ठीक है। क्या जो हमने जी एक्स कलेक्शन लिया था उसमें X belong L में कर रहा था वो ओपन कवर होगा L के लिए, तो अगर ओपन कवर L के लिए तो L कॉम्पैक्ट सब स्पेस हो जाएगा X का, तो by definition of open cover we know that L subset होगा union of GX का, ठीक है, इतना है। अब अगर हम फाइनाइट नंबर ले लें, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एक्स, ठीक है, फाइनाइट नंबर है तो एक्स आई कर दें जहां पर आई बिलोंग टू 1, 2, 3 यानी एन तक, तभी तो फाइनाइट होगा इस तरह से, ठीक है। तो L कॉम्पैक्ट सब स्पेस है तो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपनिंग कवर L सबसेट होगा यूनियन ऑफ जी एक्स आई, यहाँ पर जो X है वो कैसे है फाइनाइट नंबर ऑफ X है, ठीक है। अब अगर हम G इज इक्वल टू ले लें यूनियन ऑफ जी एक्स आई, यहाँ पर I की वैल्यू हमें वी नो दैट की फाइनाइट वैल्यू तक है, ठीक है, और H ले लें यूनियन ऑफ एच एक्स आई, ये भी फाइनाइट वैल्यू के लिए, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए है, ठीक है। तो जो G और H होंगे वो क्या हो जाएंगे, T ओपन सेट्स हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज G एंड H आर टू ओपन सेट्स सच दैट L कंटेन करे G में और M कंटेन करे H में, इतना क्लियर हुआ क्या, हमने कुछ नहीं किया, कलेक्शन ऑफ GX क्या हो गया, जो हमने x बिलोंग करा था l में वो गया ओपन कवर ऑफ l, तो l कॉम्पैक्ट सबस्पेस हो गया x का, तो y डेफिनेशन l सबसेट हो गया यूनियन ऑफ जी एक्स आई, हमने फाइनाइट नंबर्स के लिए लिया कि फाइनाइट नंबर है x, मतलब x जो हमने लिए थे फाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो g हमने ले लिया यूनियन ऑफ जी एक्स आई, यानी g मतलब जो है पूरा एक ओपन सेट है और h यूनियन ऑफ एच एक्स आई इक्वल है, तो g और h दोनों कैसे हैं, दो ओपन सेट हैं, तो वो दोनों ही ओपन सेट l और m को क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, राइट। तो L contain union of GXI और union of GXI is equal to G है, तो L कहाँ contain करेगा G में, और M contain कहाँ कर रहा था H में, हमने पहले ही देखा था M contain कर रहा था इसमें और ये equal है H के, तो M contain कर रहा है H के। अभी हमने normal definition पढ़ी है उसमें क्या था कि two closed T closed set लेते हैं, टू ओपन सेट्स लेते हैं जिसमें एल कंटेन करे जी में और एम कंटेन करे एच में, तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, दिस इम्प्लाइज एक्स टी इज नॉर्मल, ठीक है, ये तो आ गया होगा कि एक्स टी नॉर्मल हो गया। अब अगर हमसे यही बोला जाता है कि टी फोर स्पेस भी प्रूफ करो, तो देखो सिंस हमें पता है कि एक्स टी क्या है, हॉसडॉर्फ है, हॉसडॉर्फ यानी टी टू स्पेस, और वी नो दैट अगर टी टू स्पेस है तो वो टी वन स्पेस भी होगा, टी टू स्पेस इम्प्लाइज टी वन स्पेस, राइट। और अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर नॉर्मल है और टी वन स्पेस है, ए नॉर्मल टी वन स्पेस इज कॉल्ड टी फोर स्पेस, तो हेंस एक्स टी इज टी फोर स्पेस, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।